भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज विधानसभा से आए विधायक जयमंगल कनौजिया ने सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर झारखंड, बिहार, गुजरात से आए बीजेपी विधायकों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज विधानसभा से सिंगरौली आए विधायक जयमंगल कनौजिया ने कहा कि सिंगरौली आकर बेहद खुशी हुई। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं घर घर पहुंची हैं। बेरोजगारी के सवाल पर जयमंगल कनौजिया ने कहा, जो पढ़ेगा लिखेगा उसे रोजगार जरूर मिलेगा। सिंगरौली भाजपा अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने भी मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया। उसको हमने 9 साल में गर्व करके दिखाया है। केवल 9 साल की हमारी देश की सरकार है। देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से काम कर रहे हैं, उनकी हर योजना में कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हर धर्म को एक साथ लेकर हम चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।